सिंधी कॉलोनी का तो अभी मुझे जानकारी आई थी, कल सब गाइड देके आए थे हम लोग, फिर भी आज 22 लोग वहाँ फिर से नीचे हाट बाजार लगा के बैठ गए। उनको पहले अस्थाई जेल भेजा था, पर उनको सेंट्रल जेल भेजना जरूरी है। ये हैबिचुअल वायलेटर्स हैं एक्चुअली, ये ऐसे लोग नहीं है कि एक बार समझाने से माने या पहले समझाइश नहीं दी गई हो, कई बार समझाइश दी गई है, और इस तरह से अगर ये लोग समझाइश नहीं मानेंगे इतने समझाने के बाद। कल मैं वहाँ पर लगभग एक घंटे घूमा उस जेल सिंधी कॉलोनी के क्षेत्र में, मार्केट में भी हम लोग लगभग आधे घंटे रहे, क्षेत्रीय विधायक मैडम, क्षेत्रीय पार्षद जी सभी लोग जनप्रतिनिधि से। अब इतने समझाइश के बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे लोग तो सेंट्रल जेल ही भेजना है, सोल्यूशन है सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है। सर एफ आई आर भी लगी? FIR के साथ एक्शन ग्राउंड लगे तो अपने एफ आई आर कर देंगे। कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कॉलेज का स्कूल का उसे गाइडलाइंस संबंधित डिपार्टमेंट जैसे CBSE बनाती है, CBSE के लिए गाइडलाइंस बनाई हुई है, यूनिवर्सिटी के लिए अलग एक अथॉरिटीज हैं दिल्ली में, वो बनाती है, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हुई है कोविड को लेकर के। उसमें क्या संशोधन करेंगे वो आने वाले वक्त उसमें बताएगा। सर अनलॉक के तरीके कुछ चरणबद्ध तरीके को लेकर क्या उसमें चर्चा चल रही है? ये गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई है, वो सजेस्टिव गाइडलाइन है, एडवाइजरी है वो, और उसके तारतम्य में निर्णय एक दिन में हो जाएगा। थैंक यू।